ओके तो अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, ठीक है जी, आप भी 8th में है और 8th क्लास का ही जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है यहां पर, ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रूपीज 2401 इन ऑल फॉर पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है जी, आजकल ये जो है पीएम केयर्स हो गया है, पहले ये पीएम नेशनल रिलीफ फंड होता था, आजकल पीएम केयर्स एक अलग से जो है आपके लिए बना दिया गया है, जहां पर पीएम के लिए आपको जो है देश के लिए डोनेट करना हो तो पीएम केयर्स में डोनेट कर सकते हैं। चलिए, सो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रूपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि जस्ट इमेजिन क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 20 रूपीज दिए, अगर क्लास में 30 बच्चे तो हर बच्चे ने 30 रुपीज पे करें, राइट, डोनेट करें। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं ये हमने बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए, मान लेते हैं अपने पास शुरू में क्या गिवन है, टोटल अमाउंट डोनेटेड है जी 2401, क्लियर, यहां पे आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे तो अभी क्या करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमने बताने हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एक्स मान लिए, राइट, हमें नहीं पता क्लास में कितने बच्चे, हमने मान लिए एक्स। अब जितने बच्चे हैं उतना ही पैसा एक बच्चा डोनेट कर रहा है, सो अमाउंट डोनेटेड बाय ए स्टूडेंट ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू रुपीज एक्स। नाउ एक बच्चे ने जितना रुपए डोनेट किया, हर बच्चे ने उतना ही रुपए डोनेट किया है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट, सो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, भाई 10 बच्चे हैं, हर बच्चे ने 10 रुपए दिए तो टोटल 100 रुपए, 10 मल्टीप्लाई 10 किया हमने, तो ठीक उसी तरह से एक्स मल्टीप्लाई एक्स किया। अब क्या हुआ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया है, जो कि 2401 के इक्वल है। हमने तो क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है राइट लेफ्ट साइड में जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहां पे 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है जी, 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। चलिए, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है। चलिए इसका डिजिट्स का सम करते हैं, 4 + 2 = 6 + 1 = 7, 3 से भी नहीं होगा ये डिवाइड, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 × 3 = 21, 3 × 30 = 7, 4 × 28 = 2, 21 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 7 से इसको करते हैं डिवाइड, 7 × 3 = 21, यहां पे बच गया 3, 30 हो गया, 7 × 4 = 28 बचा 2, 21 हो गया, 7 × 3 = 21। अगेन अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम 7 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो 7, 7 × 4 = 28, बच गया यहां पर 6, 6 और 3 हो गया टोटल 63, तो 7, 9 = 63, अगेन 49 है, 49 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये अपने पास कुछ ऐसा आ गया। अब क्या है कि 2401 प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर लिखें तो कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 7² × 7² 2401, तो इसको हम कर पाएंगे, जो है पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट, 7, 7 = 49 का स्क्वायर, यानी कि 2401 = 49 का स्क्वायर, हमने निकालना है 2401 का स्क्वायर रूट। तो हम इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा अपने पास 49। तो अपने से पूछा गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अपने पास आंसर आ गया है जी 49। ठीक है, 49 बच्चे हैं क्लास में और हर बच्चे ने 49 रुपीज पे करे, डोनेट करे, तो टोटल बन गए 2401 रुपीज पीएम नेशनल रिलीफ फंड के लिए, आजकल पीएम केयर्स फंड है। सो आई होप आपने भी डोनेट जो है कर दिए होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है वैसे तो, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, हर एक रो, जस्ट इमेजिन हमने 10 रो बनाई, तो हर एक रो में कितने जो है प्लांट्स लगाएंगे, जितनी रो हैं, तो 10 रो है तो हर रो में 10 ही प्लांट लगेंगे, अगर 9 रो बनाई तो हर रो में 9 प्लांट लगेंगे, क्योंकि एक रो में उतने ही प्लांट लगाने हैं जितने की टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, सो एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्या करते हैं, टोटल प्लांट्स प्लांटेड है जी 2025, लेट द नंबर ऑफ रोज, हमने मान लिया नंबर ऑफ रोज वाई,
ठीक है जी। सो प्लांट्स इन अ रो, एक रो में कितने प्लांट बनेंगे, एक रो में उतने ही प्लांट जो है हमने उगाने हैं जितने की टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, तो वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आगे बढ़े तो क्या होगा जी, देखिएगा हम क्या करेंगे, अगर एक रो में 10 प्लांट है तो जाहिर सी बात है टोटल 10 रो, 10 मल्टीप्लाई 10 100 प्लांट बन रहे हैं, तो रो है वाई और एक रो में है वाई प्लांट, तो वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2025, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए 2025 का करेंगे हम स्क्वायर रूट। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके 2025 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यहां पर क्या होगा, 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, क्या करेंगे 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो 3 से डिविजिबल है, चलिए 3 से करते हैं इसको डिवाइड। 3 6 जार 18, बचा 2, हो गया टोटल 22, 3 7 जार 21, फिर बचा 1 और ये हो गया 15, 3 5 जार 15, नाउ 7 5 12 6 18, फिर से 3 से डिवाइड हो पाएगा, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 1 बचा 15, 3 5 जार 15, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी 5 2 7 2 9, फिर से 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो 3 7 जार 21, बचा 1 15, 3 5 जार 15, अगेन 3 से डिवाइड हो पाएगा क्योंकि 7 5 12 है, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 25, अब ये हो पाएगा 5 से डिवाइड। चलिए तो अभी हम इसको लिखते हैं 2025 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, सो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर इसको स्क्वेयर्स के रूप में लिखे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर से 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, सो ये है 2025, हमने निकालना है 2025 का स्क्वायर रूट। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा स्क्वेयर्स हैं, पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45 का स्क्वायर, यहां पर करना है हमने इसका स्क्वेयर रूट, तो यहां भी कर देंगे स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, अपने पास आ जाएगा 45। ठीक है जी, तो 2025 का स्क्वायर रूट आ गया 45। अभी हमने करना क्या था जी, हमने बताना था नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स इन ईच रो, तो ये आ जाएगा आंसर 45, नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स इन ईच रो, ये हो गया जी 45। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।